भारी भरकम कर्ज तले दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव है और आने वाले समय में इसके शेयरों में तेजी आने की संभावना है, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। इसके अलावा आज यानी शुक्रवार को कंपनी ने तिमाही नतीजे भी जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, निवेशकों को क्या करना चाहिए, जानते हैं सब कुछ उस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले इसके नतीजों पर बात कर लेते हैं। तो कारोबारी साल 2024 की मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़ गया है। मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस बढ़कर 7674 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 6418 करोड़ का लॉस हुआ था। अच्छी बात यह है कि एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च तिमाही में सालाना आधार पर ARPU 135 रुपए से बढ़कर 146 रुपए हो गया। सालाना आधार पर EBITDA मार्जिन 40% से बढ़कर 40.9% रहे। आज नतीजों के ऐलान से पहले इसके शेयरों में खरीदारी देखने को मिली थी। इंट्राडे में BSE पर इसके शेयर 1.59% उछलकर 13.40 रुपए पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाद में ये 0.76% गिरकर 13.10 पर बंद हुआ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए 18,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के बाद ये स्टॉक लगातार एक्सपर्ट्स के रडार पर बना हुआ है और निवेशकों की भी निगाह पर है। खबर ये भी है कि MSCI इंडेक्स में वोडाफोन आइडिया का नाम शामिल हो सकता है। वोडाफोन आइडिया को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अनुमान लगाया कि अगस्त के रिव्यू में ये MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो 140 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीदारी के जरिए इसमें 21.2 करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है और इससे जुड़ा ऐलान 13 अगस्त 2024 को हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बात करें तो इसने 10 रुपए का टारगेट प्राइस पर वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन ये भी कहा है कि बुलिश माहौल में ये शेयर 23 रुपए के लेवल तक पहुंच सकता है और वहीं बेयरिश माहौल में ये 7 रुपए तक टूट भी सकता है। वोडाफोन आइडिया की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं तो 5 दिनों में इसने 3.56% से ज्यादा का उछाल दिखाया है, लेकिन 1 महीने में ये 0.76% गिरा है। 6 महीने में लगभग 10% का गिरावट इसने दिखाया है, 10% की गिरावट, और इस साल में अब तक ये लगभग 23% तक टूटा है। एक साल में 85% से ज्यादा चढ़ा है। वोडाफोन आइडिया के शेयर फिलहाल हाई लेवल से करीब 27% डाउनसाइड है। हालांकि वोडा आइडिया के FPO निवेशक अभी भी तगड़े फायदे में हैं, क्योंकि उन्हें 11 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए थे। FPO के शेयर 25 अप्रैल 2024 को लिस्ट हुए थे। वोडाफोन आइडिया के शेयर में कैसी चाल बनेगी ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहला कि कंपनी किस तरह से अपने लाखों सब्सक्राइबर्स को छोड़कर जाने से रोकने में सफल होती है। दूसरा, कंपनी कैसे कर्ज को कम करने के लिए कदम उठाते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU में बढ़ोतरी देखने को मिली है कंपनी की और मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 135 रुपए से बढ़कर 146 रुपए पर हो गया और इन मुश्किलों से निपटने का तरीका ये बताएगा कि वोडाफोन आइडिया में क्या संभावनाएं नजर आती है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म्स की पॉजिटिविटी निवेशकों के मन में एक उम्मीद तो जरूर पैदा कर सकती है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। और आपके लिए ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहाँ आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।